दोस्तों आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर हमारा एमसीबी बॉक्स लगा हुआ है भाई साहब, इसमें इतना तगड़ा फॉल्ट हुआ है जिसके कारण हमारे घर में सप्लाई नहीं जा रही है और कुछ घरों में लाइट जल रही है, कुछ रूम में लाइट नहीं जल रही, जो कि आप लोग देख सकते हैं पूरी एमसीबी हमारी जल गई है। इसको कैसे सही करना आज की इस वीडियो में आपको पूरी कंप्लीट जानकारी देने वाले हैं। बस आपको इस वीडियो कंप्लीट देखना और समझना जिसके माध्यम से आप लोग इसको सही कर अच्छे पैसे कमा सकते हैं। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते भाई साहब, इसमें सारी एमसीबी जल गई है, इसमें यहाँ पर वायर भी जल गया है। तो हमने यहाँ पर क्या क्या सप्लाई को अच्छे से ऑफ़ कर दिया है, जो भी आपको काम करना सप्लाई को ऑफ़ करके काम करना। तो ये हमारा मेन आइसोलेटर है जिसकी कारण हमने इसको यहाँ पर सप्लाई को ऑफ़ कर दिया, जो कि आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर इसमें नीचे वाले में सप्लाई आ रही बट आपको दिख नहीं रही है, बट हमको यहाँ पर दिख रही है। तो हमने सबसे पहले सप्लाई को ऑफ़ कर दिया, उसके बाद हम लोग क्या करेंगे एमसीबी के सारे कनेक्शन को निकाल लेंगे और अपनी एमसीबी को यहाँ पर बाहर निकालेंगे जो यहाँ पर जल गई हैं। तो भाई साहब आप सब लोग देख सकते कितने ज़्यादा तगड़े तरीके से जल गई हैं। भाई साहब बहुत तगड़ा शॉर्ट सर्किट हुआ था जिसके कारण यहाँ पर सारी एमसीबी जल गई हैं और ये लोकल ब्रांड की एमसीबी लगी हैं जिसके कारण यहाँ पर ये सारी एमसीबी जली हुई हैं। अगर अच्छे ब्रांड की लगी होती तो शायद न जलती। तो भाई साहब आप लोग देख सकते एमसीबी की हालत देख सकते हैं कैसे हमारी एमसीबी जली है और कितना तगड़ा यहाँ पर फॉल्ट हुआ है। बस आपको इस वीडियो को देखना जिसके माध्यम से आप लोग इसको सही कर सकते हैं, अच्छे पैसे कमा सकते हैं। तो हम लोग क्या करेंगे सारी एमसीबी को अच्छे से बाहर निकाल लेंगे, जो कि आप लोग देखते हैं इस प्रकार से हमने सारी एमसीबी को बाहर निकाल लिया और हमने यहाँ पर दूसरी न्यू कंपनी की एमसीबी लिया है जो कि हैवेल्स कंपनी की एमसीबी है और काफ़ी ज़्यादा अच्छी होती है, आप लोग इसको यूज कर सकते हैं। तो यहाँ पर हमारे पास जितनी एम्पियर की एमसीबी लगी थी उतने एम्पियर की हमको लगाना, एसी के लिए 25 एम्पियर की, बाकी नॉर्मल के लिए 16 एम्पियर और बाकी नॉर्मल बोर्ड के लिए 10 एम्पियर की एमसीबी हम लगाएंगे। तो यहाँ पर हमने सारी एमसीबी को लगा दे, जो कि आप लोग देखते हैं। अब एमसीबी के ऊपर वाले पॉइंट पे हम यहाँ पर लोड का कनेक्शन करेंगे, जो हमारे घर के लोड थे हम लोड का कनेक्शन एमसीबी के ऊपर वाले पॉइंट में कर देंगे। तो आप लोग देख सकते यहाँ पर जितने हमारे वायर ऊपर वाले एमसीबी में लगे थे उनको अच्छे से छील कर अच्छे से काट कर हम फिर से यहाँ पर ऊपर वाली एमसीबी में लगा देंगे, जो कि आप लोग देख सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हमने एमसीबी को निकाल लिया, अच्छे से इसको खोल के अच्छे से वायर को टाइट करेंगे ताकि यहाँ पर कोई दिक्कत इसमें ना हो। तो आप लोग देख सकते हम यहाँ पर स्क्रू ड्राइवर से टाइट कर रहे हैं, इस प्रकार से आपको वायर को चेंज करना, और उससे पहले आपको ये ध्यान रखना है आपको चालू लाइन में काम नहीं करना है, सप्लाई को कट कर देना है ताकि किसी भी प्रकार का आपको रिस्क ना हो, कोई दिक्कत ना हो और आप अच्छे से काम करके पैसे कमा सकें। यहाँ पर आप लोग देख सकते हमने दोनों एमसीबी में वायर को लगा दिया, अब तीसरी में लगाएंगे फिर चौथी एमसीबी में लगा देंगे, चारों एमसीबी में अच्छे से वायर को लगा देंगे, जो कि आप लोग देख सकते हैं जितने भी लोड वाले वायर थे सभी को ऊपर एमसीबी के ऊपर वाले पॉइंट में हमको लगाना चाहिए, कोई दिक्कत यहाँ पर नहीं है। तो इसको फटाफट से कर लेते हैं। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हमारी अच्छे से लगा रहे हैं, उसके बाद हम लोग इसके नीचे सप्लाई डालेंगे जहाँ से हमारा इनपुट लाइन करेगी, मतलब सप्लाई जहाँ से जाएगी जो मेन सप्लाई की वायर होगा उसको हम यहाँ पर डालेंगे। तो यहाँ पर आप लोग देखते हैं हमने अच्छे से इसको टाइट कर लिया है, जो कि आप लोग देखते हैं। अब हम लोग क्या करेंगे हमारी जो दूसरी एमसीबी थी उसमें भी अच्छे से टाइट कर लेते हैं। ठीक है, चारों एमसीबी में जितना जितना लोड पहले से पड़ा था उसी प्रकार से आपको लोड डाल देना है और आपको एक बार घर पर ये चेक करना है कि कौन सी एमसीबी में क्या क्या चीज़ें चल रही थी। ठीक है, उसके कारण आप लोग एमसीबी के एम्पियर को बढ़ा सकते हैं, कम ज़्यादा कर सकते हैं। तो यहाँ पर हमारे चारों एमसीबी कनेक्शन हो चुके हैं, अब चारों एमसीबी को अच्छे से लगा देते हैं, जो कि आप लोग देखते हैं हमारी एमसीबी फिटिंग हो चुकी हैं। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे इसकी एमसीबी के नीचे वाले पॉइंट में हम कनेक्शन करेंगे, यहाँ पर जो कि आप लोग इससे वायर कितना जल गया है तो इस वाले वायर को हम अच्छे से कट कर देंगे, अच्छे से छील लेंगे और इसको लगाएंगे एमसीबी के नीचे। इसके एमसीबी के नीचे एक प्लेट लगती है जिसके कारण हमारे सभी एमसीबी में सप्लाई पहुँचती है, करंट पहुँचता है, तो वो प्लेट हमारी जल चुकी है। तो हम लोग क्या करेंगे वायर के माध्यम से इसको एकदम अच्छे से लगा देंगे, कोई दिक्कत यहाँ पर नहीं है। तो यहाँ पर हमारा एमसीबी का यहाँ पर वायर है और हम एक हमारे बगल वाले एमसीबी का भी वायर है इसको, और इन दोनों वायर को हम साथ ही में एक एमसीबी में कनेक्ट करेंगे और उसके साथ हम एक वायर और जोड़ लेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर आप लोग देखते हैं हमने यहाँ पर अच्छे से वायर को लगा छील लिया है, छीलने के बाद अच्छे से इसको यहाँ पर एमसीबी के नीचे वाले पॉइंट में देना है, चारों एमसीबी के नीचे वाले पॉइंट में हमको लाइन कनेक्शन करना है, ये चीज़ आपको ध्यान रखना है। ठीक है, तो यहाँ पर हम एक एक एमसीबी में करके कनेक्शन कर देते हैं। अगर हमारे पास वो जो लोहे की प्लेट होती अगर वो होती तो हम यहाँ पर एक ही में लगाकर चारों एमसीबी में कनेक्शन कर सकते थे, बट यहाँ पर वो प्लेट जल गई है जिसके कारण हमको वायर से कनेक्शन करना पड़ेगा। तो आप लोग देखते हैं हमने एक वायर को अच्छे से लगा दिया है, जो कि आप लोग देखते हैं। अब इसी प्रकार हम अपने दूसरे एमसीबी में कनेक्शन करेंगे, फिर तीसरे में करेंगे, फिर चौथे में करेंगे
फिर सभी में करेंगे, फिर सप्लाई को चालू करके देखते हैं यहाँ पर हमारा कैसे ये काम कर रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर हम वायर को अच्छे से छील लेंगे और इसी प्रकार से आपको MCB चेंज करना है, कोई दिक्कत नहीं है। कितनी भी हमारी लाइन फॉल्ट हो जाए कोई दिक्कत नहीं है, अगर हमारे घर पर MCB लगी हुई है तो हमारी घर की MCB हमारी सप्लाई को ऑफ कर देती है, जिसके कारण हमारे घर के सभी अप्लायंसेस बच जाते हैं, सभी कोई दिक्कत नहीं होती है। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, अब दूसरी वाली MCB में अच्छे से लगाएंगे। इसलिए आपको घर पर MCB ज़रूर लगवाना चाहिए और अच्छे ब्रांड की MCB लगवाना चाहिए, ताकि इस प्रकार के हालात आपके घर पर ना हो और कोई भी MCB आपके घर पर ना जले। तो यहाँ पर आप लोग देखते हैं हमने यहाँ पर अच्छे से लगा दिया है, दो MCB हमारी और बची, इसमें भी अच्छे से वायर कनेक्शन कर देते हैं, फिर अपने सप्लाई को चालू करते हैं, देखते हैं हमारा कैसे काम कर रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर आप लोग देखते हैं हम इसी प्रकार से और दो MCB में कनेक्शन करेंगे, उसके बाद उसको चालू करते हैं। ठीक है, बिल्कुल सिंपल है, जो लोग इलेक्ट्रीशियन का काम करते हैं उनके लिए तो बहुत आसान है, जो लोग इलेक्ट्रीशियन नहीं है उनके लिए थोड़ा यहाँ पर मुश्किल हो सकता है। तो यहाँ पर हमने अच्छे से कंप्लीट कर दिया है और यहाँ पर सारे कनेक्शन अच्छे से कर दिया है, ऐसे आपको कनेक्शन करना है, उसके बाद अपनी सप्लाई को चालू कर देना, अच्छे से हमारा काम करना स्टार्ट हो जाएगा, जो कि आप लोग देखते हैं इस प्रकार से आप लोग MCB को चेंज कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हमने अपनी सप्लाई को चालू कर दिया और सारी MCB को हमने यहाँ पर ऑन कर दिया, हमारी सप्लाई चालू हो चुकी है और आप लोग ऐसे MCB बॉक्स के फॉल्ट को सही कर सकते हैं, MCBH को यहाँ पर चेंज कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अगर हमारी वीडियो पसंद आए प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि आपको ऐसी इलेक्ट्रिशियन वीडियो मिलती रहेंगी। कोई भी क्वेश्चन हो कमेंट बॉक्स में जरूर टाइप करें। बहुत बहुत धन्यवाद, जय हिंद।